भारतीय रुपए को कमजोर कहने वाले देखें कि आज विश्व के 18 देश कर रहे भारतीय रुपए में व्यापार। अजय मिश्र टेनी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी और सदर विधायक योगेश वर्मा ने लालपुर स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल स्पर्धा पर विजयी खिलाड़ियों को किया सम्मानित। कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल को बढ़ावा देकर विश्व में भारत की छवि को और अधिक निखारा। पूरे मामले पर देवनंदन श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी। जो लोग कहते हैं कि भारतीय रुपया कमजोर हो गया है, उन्हें यह जानना चाहिए कि आज मलेशिया ने भी भारतीय रुपये में व्यापार करने को मंजूरी दे दी है। इसे मिलाकर अब 18 देश भारतीय रुपए में व्यापार कर रहे हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार के दृढ़ संकल्पों से संभव हुआ है। यही कारण है कि आज खेल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर और प्रदेश स्तर सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सांसद खेल स्पर्धा का भी आयोजन किया गया है, जिसका समापन लालपुर स्टेडियम में आज हो रहा है। जिले के खिलाड़ियों ने इस दौरान अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। यह बात केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने अपने संबोधन के दौरान कार्यक्रम में कही। साथ ही उन्होंने कहा कि सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन खेल प्रतिभा को बाहर निकालना है, ऐसे खिलाड़ी जो आगे चलकर देश का नाम रोशन करेंगे। यही कारण है कि 18 मार्च से आयोजित इस स्पर्धा में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के खिलाड़ियों ने अपने हुनर और प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिस तरह खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, इसी का कारण है कि विश्व स्तर पर भारत की बेटियों और खिलाड़ियों ने तमाम स्वर्ण पदक हासिल कर नाम रोशन किया है। भारत आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इसी का पर्याय है कि जो लोग कहते थे कि भारत का रुपया कमजोर है, उन्हें यह देखना चाहिए कि आज रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे 18 देश भारतीय रुपए में व्यापार कर रहे हैं। वहीं मलेशिया भी अब इसमें शामिल हो गया है। जीएसटी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मार्च 31 तक 1,60,00,000,000 रुपए का जीएसटी जमा हुआ है। यह भारत सरकार की उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार भी खिलाड़ियों के प्रोत्साहन का कार्य कर रही है और इसमें जिला प्रशासन का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। इस दौरान दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, 15 मीटर दौड़, 100 मीटर दौड़ और अन्य तमाम खेल प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी और सदर विधायक योगेश वर्मा द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस दौरान सीडीओ अनिल सिंह, एएसपी खीरी, जिला क्रीड़ा अधिकारी सहित अन्य अधिकारी और भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। खीरी संसदीय क्षेत्र के सांसद के प्रोग्राम में सभी लाखों से आए हुए प्रतिभागीगण, जैसा कि ये निरंतर लगभग 15-20 दिनों से नया पंचायत स्तर से कार्यक्रम चल रहे थे, नया पंचायत स्तर से ब्लॉक स्तर पे आए और ब्लॉक स्तर से पूरे ब्लॉकों के सारे बच्चे खेलने के लिए यहाँ पे आए। हमारे मोदी जी का चाहे सांसद खेल स्पर्धा हो, चाहे खेलो इंडिया, अभी उन्होंने माननीय मोदी जी ने मन की बात में भी कहा था कि खेलने से शरीर का विकास होता है, मानसिक विकास होता है, आत्मनिर्भरता बढ़ती है। पहले खेल को हम लोग बहुत दूसरी निगाह से देखा करते थे, हर व्यक्ति केवल पढ़ाई के ऊपर ध्यान देता था। मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो युवाओं का देश है, युवाओं की खेल के प्रति जागरूकता बढ़े। जिस तरीके से 2014 से लेके आपने अभी देखा कि जितने भी चाहे ओलंपियाड हो, ओलंपिक गेम हो, चाहे एशिया गेम हो,
इन सब में हमारे भारत देश का हमारे खिलाड़ियों ने काफी सदुचाव किया है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि युवा भारत देश में हम अन्य स्थानों के साथ साथ में खेल की तरफ भी जागरूक हो और खेल को अपने खेल के मार्फत अपने देश का नाम रोशन करें। आज जिस तरीके का आयोजन हुआ, ये वाकई में पहली बार इस तरीके का आयोजन की हम लोगों ने जिस तरीके से सोचा था उससे भी भव्य कार्यक्रम और अच्छी टीमें यहाँ पे आई है। जितनी मेहनत हमारे सभी ब्लॉक के जितने भी अधिकारी थे उन सब लोगों ने मिलकर जिस तरीके से कार्यक्रम किया, मैं उनको सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और अगली बार इससे भी भव्य कार्यक्रम हो। हमने अपने ब्लॉक में अपने विधानसभा के अंदर न्याय पंचायत स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताएं हम प्रधानों की जिम्मेदारी और वहाँ के जो हमारे बेसिक विद्यालय है बेसिक विद्यालय हमारे बीएसए साहब के साथ में मिलकर दो स्तरीय प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी अगली बार से। एक तो बेसिक प्रकार कक्षा आठ तक के और फिर कक्षा आठ के ऊपर वाले जूनियर और सीनियर सेक्शन की होंगी। और अभी से मैं घोषणा करना चाहूंगा कि अगली बार हर खिलाड़ी को जो भी यहाँ प्रतिभाग करने के लिए आएगा उसको ट्रैक सूट और जूते की व्यवस्था कराई जाएगी। इस बात किशन से ही क्योंकि इतनी जल्दी कार्यक्रम हुआ कि जब हम लोग ऑर्डर देने की बात हम लोग वैसे ट्रैक सूट देने की बात हम लोग सोच रहे थे मगर इतनी जल्दी व्यवस्था पाना मुश्किल था क्योंकि किसी से भी बात करो तो इतनी जल्दी व्यवस्था पाना बहुत मुश्किल था। अगली बार आपको जूते भी देंगे और ट्रैक सूट भी देंगे। अच्छा तो इसलिए आप सब लोग अपने अपने ब्लॉक स्तर से मेहनत करके जीत के आए और जो ब्लॉक प्रथम आएगा उसको 11,000 का पुरस्कार हमारी तरफ से 5100 सेकंड और 3100 तृतीय पुरस्कार। मैं और जिनकी इस खेल प्रतियोगिता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है ऐसे हमारे जिले के मुख्य विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह जी, जिला क्रीड़ा अधिकारी महोदय, हमारे बीएसए साहब की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है, सभी वीडियोज है, आपके एडिशनल एसपी साहब हैं, आए हुए बहुत सारे सम्मानित अतिथिगण और हमारे सारे खिलाड़ी बच्चों पत्रकार मित्रों युवा कल्याण अधिकारी भी हैं हमारे, ऐसे सभी हमारे सम्मानित अधिकारीगण जिन्होंने इस खेल प्रतियोगिता में इसके संचालन से लेकर के समापन तक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहित की है। हमारी ये सेक्रेटरी का नाम मैं भूल गया था तो सब हमारी जितनी सेक्रेटरी यहाँ लगी है वो सारी सेक्रेटरी ऐसे सभी लोग जो इसमें सहभागिता करें ऐसे सभी मेरे लिए सम्मान के लायक हैं। मैं सबका सम्मान और अभिनंदन करता हूँ। वास्तव में आज का दिन हमारे जनपद के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये प्रतियोगिता अभी जैसे मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने बताया न्याय पंचायत स्तर पर 13 मार्च को प्रारंभ हुई थी और 13 मार्च से आज हम 2 अप्रैल तक पहुंचे हैं। एक लंबे समय तक पूरे जिले में हमारे जो खिलाड़ी बच्चे थे बच्चियां थी उन्होंने अपनी अपनी योग्यता और क्षमता के अनुरूप जिन खेलों में उनको महारत हासिल है उसमें उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और सारे लोग जिले के खेल से जुड़े हमारे जो पत्रकार बंधु थे उन्होंने भी बहुत अच्छा कवरेज खेल स्पर्धा को दिया। इस दृष्टि से पूरे जिले में खेल के प्रति एक अच्छा माहौल बना, ये माहौल पूरे देश में बने इसके लिए निरंतर हमारी सरकार भी प्रयासरत है। हमारे प्रधानमंत्री जी और खेल मंत्री जी भी लगातार इस दिशा में प्रयासरत रहते हैं। हमारा देश ऐसे में कह रहा हूँ आज भी आपने खबर पढ़ी होगी अखबार में या तो देखा होगा या टीवी में देखा होगा आज एक और देश है जिसने भारत की मुद्रा में व्यापार करने का जो हमारे साथ एग्रीमेंट था उसको स्वीकार कर लिया। वो एक नया देश मलेशिया हो गया। पहले जो लोग कहते थे कि भारत की मुद्रा बहुत कमजोर है आज 18 देश जिसमें रूस अमेरिका ब्रिटेन जर्मनी जैसे देश भी शामिल है न्यूजीलैंड शामिल है ऐसे 18 देशों में जो रुपया आपके इंडिया में चलता है वहां पर भी वो हमसे उसी रुपए में व्यापार करने के लिए तैयार हो गए।
ये एक भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा जीएसटी के किस्से में आज एक नई खबर मुझे आज भी पड़ी है, जो 31 मार्च का जीएसटी कलेक्शन हुआ, हम लोगों ने लक्ष्य रखा था कि 1,00,000 करोड़ जीएसटी का कलेक्शन होगा, लेकिन आज का जो अखबार है उसने बताया कि मार्च में कलेक्शन 1,60,000 करोड़ रुपया का कलेक्शन हुआ। ये एक बात है, लेकिन अगर आप पूरे देश के विषय में देखें, देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा, लोगों की जरूरतें पूरी हो रही, लोगों का जीवन अच्छा बने उसके लिए सुविधाएं बढ़ रही, अच्छी सड़कें बन रही, रेलवे स्टेशनों की सूरत बदल गई, रेलगाड़ियों की सूरत बदल गई, एयरपोर्ट पर आप जाइए आपको अलग तरह का दृश्य देखने को मिलेगा। पहले कुछ चुनिंदा लोग हवाई जहाज में यात्रा करते, हम लोग देखते थे कि बिजली का बिल जमा करना तो लाइन लगी, टिकट खरीदना तो लाइन पर लगाओ, अब सारा आप मोबाइल पर कर लेते हो, मोबाइल पर टिकट खरीदो, मोबाइल पर बोर्डिंग पास हो गया, मोबाइल पर रेल का टिकट, मोबाइल पर बिजली का बिल, मोबाइल पर टेलीफोन का बिल, कुछ भी कर सकते। इस तरह से आप देखो तो देश के अंदर सुविधाएं लगातार बढ़ी, वैसे ही हमने हर क्षेत्र में काम किया है, सड़क, रेल, स्कूल, पानी, बिजली, अस्पताल, लगातार 22 करोड़ लोगों को हम लोगों ने गोल्डन कार्ड दिए, जिसमें आयुष्मान भारत के माध्यम से 5,00,000 तक फ्री इलाज की सुविधा। ये तो सारी बातें हैं जो हम लोगों ने अपनी जरूरतों के लिए पूरी की। देश की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित है, वो एक अलग विषय। देश में आंतरिक सुरक्षा बहुत मजबूत हुई, चाहे वो वामपंथी क्षेत्र हो या जम्मू कश्मीर का उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र हो या नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र, हर जगह पर आप देखेंगे एक शांति का वातावरण बना। इस सबके साथ साथ पूरी दुनिया में भारत का सम्मान भी बढ़ा, उसमें ये खेल का क्षेत्र भी सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। खेल के क्षेत्र में हम लोगों की चुनौती इसलिए बड़ी है और सफलताएं आवश्यक है, क्योंकि ये देश युवाओं का देश है। आज 100 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में ऐसे हैं जिनकी 35 साल से कम उम्र है, 100 करोड़ से ज्यादा। उस दृष्टि से हम खेल के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, ये प्रधानमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया और प्रधानमंत्री जी का ये सोच है कि खेल के क्षेत्र में भी हमको दूसरे क्षेत्रों की तरह ही आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और इसी कारण हमने अनेकों ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, जैसे खेलो इंडिया। खेलो इंडिया का एक सेंटर आपके यहाँ हॉकी का इसी स्टेडियम से जुड़ा हुआ अभी मुझे जानकारी मिली। दूसरा, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है, हॉकी जो खेलना चाहते हो खेलो इंडिया से वो सीधे जुड़ जाएंगे। दूसरे, अभी कोई ऐसे खिलाड़ी हमको नहीं मिल पा रहे हैं जिनके माध्यम से हम खेलो इंडिया यहाँ, क्योंकि उसके कुछ मानक हैं, उस मानक की दृष्टि से हमारी कोशिश है कि हम स्विमिंग के या बैडमिंटन के कुछ ऐसे खिलाड़ी जो उस मानक में आते होंगे उनको हम लेकर के यहाँ पर आए, तो हम उसके भी खेलो इंडिया सेंटर यहाँ पर प्रारंभ कर सकेंगे। दूसरा, जो हमारे विकास विभाग, जो हमारा डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, उसके माध्यम से हम न्याय पंचायत स्तर पर भी स्टेडियम बना रहे हैं, गांवों में खेल के मैदान बना रहे हैं, और जैसे गांवों में ये प्रतियोगिताएं हो रही है, आप सब बहुत बड़ी जीत हासिल करके आए। ब्लॉक तक भी जीतना कोई सामान्य बात नहीं होती, आप एक छोटा मैच भी खेलते हैं, गाँव में भी खेलते हैं, गाँव की ही दो टीम खेलती तो जो जीतती है तो उसका हौसला बुलंद होता है। आप तो पूरे ब्लॉक से जीत करके आए हो, इसलिए आप बहुत महत्वपूर्ण हो इस जिले के लिए भी और खेल के क्षेत्र के लिए भी, आप आगे बढ़िए, इसके लिए हमारे प्रयास